थाना नारायणगढ़ पुलिस की सक्रियता से सूने मकान में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। आरोपी द्वारा चुराए गए 1,10,000 रुपए नकदी एवं चांदी के जेवरात कीमत करीब 40,000 रुपए कुल 1.5 लाख रुपए मशरूका जब्त किया गया। नारायणगढ़ पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर को फरियादी समृद्ध गुर्जर निवासी भीलखेड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज के दिन घर पर ताला लगाकर वे सभी घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। शाम को घर आने पर पता चला कि किसी अज्ञात बदमाश ने घर का ताला तोड़कर घर में शादी के लिए रखे 1,10,000 रुपए नकदी व चांदी के जेवरात कीमत कुल करीब 40,000 रुपए चुरा कर ले गए। थाना नारायणगढ़ पर अज्ञात अपराधी के विरुद्ध धारा 454 380 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संदेही राहुल पिता देवीलाल गुर्जर उम्र 22 साल निवासी भीलखेड़ी थाना नारायणगढ़ से कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपी राहुल गुर्जर द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसे समृद्ध गुर्जर के घर में रुपए व जेवरात होने की जानकारी पहले से थी। घर वालों के बाहर जाने पर उसके द्वारा घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर रुपए व जेवर चुराना स्वीकार करते हुए चोरी किए गए जेवर नकदी भी पुलिस ने आरोपी से जब्त कर लिए हैं। था भीलखेड़ी गांव के समृद्ध गुर्जर ने थाने पर रिपोर्ट किया था कि मेरे घर पे करीब 1,10,000 रुपये और 40,000 रुपये के गहने कोई अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर चुरा के ले गया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सब इंस्पेक्टर अभिषेक बोरासी जी ने विवेचना के दौरान पाया कि उन्हीं के गांव का राहुल गुर्जर पर शंका के आधार पर उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसमें से उसके घर से 1,10,000 रुपये और 40,000 रुपये के जेवरात करीब 1.5 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया और आरोपी को अभी वर्तमान में जेल में है।